और भक्ति कैसी होनी चाहिए? शर्म खाने वाली भक्ति नहीं होती है, भक्ति तो खुलकर होती है। जैसे मीरा जी करती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो क्या कहते हैं? कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुन सारा जीवन खोयो, तुन सारा जीवन खोयो, बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोल हरि। और अब जो वृद्ध हैं वो भी सुन लें, केवल हम जवानों को नहीं कहते। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तुन भरे बुढ़ापे में कुछ काम करो ऐसा जो रहो मुनाफे में। कुछ काम करो ऐसा जो रहे मुनाफे में। कुछ काम करो ऐसा जो रहो मुनाफे में। कुछ काम करो ऐसा जो रहो मुनाफे में। कुछ काम करो ऐसा जो रहो मुनाफे में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। क्या करना चाहिए उसको बताओ? एक ही ने सुना और किसी ने नहीं सुना। क्या करना चाहिए मैया? क्या करना चाहिए? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अब बताओ कथा कहां पर छोड़ी थी? हैं?
कहते पंडित जी वहां पर जहां पर लाइट चली गई थी, बोलो राधे राधे, आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तो कहते हैं दूसरा अपने आसन को जीतो, जितासनो जित स्वासो, और तीसरा कहा है जित संगो। क्या कहा है? जित संगो, अपने संग को जीतो। देखिए संग अलग होता है, देखिए जो संग होता है ना, एक होता है एक नजदीक होना है ना, और एक होना है दूर होने के बाद भी उसके हमेशा संग संग रहना। एक तो है संग होकर भी संग नहीं हो पाना, जैसे यहां भी कथा में भी कुछ लोग बैठते हैं, होते तो कथा में फिर भी कथा में नहीं रहते, वो शरीर से तो हैं पर अंदर से नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं महाराज जो YouTube के द्वारा दूर दूर से खोल करके चैनल पहले ही बैठ जाते हैं, पूरा ध्यान कथा में रखते हैं। तो कहते हैं अच्छा संग करो। देखिए अगर हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं किंतु हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में नहीं है, हम पूजा तो कर रहे हैं भगवान की, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, मन हमारा लगा है दुकान कितने बजे खोलें, क्या नौकर आ गया होगा, क्या आज वो आएगा, तो भगवान पूजा स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और महाराज अगर हम दुकान पर बैठे हैं पूजा नहीं कर पाए, हमें जरूरत दुकान पर तुरंत जाना पड़ गया इमरजेंसी में, और बैठे दुकान पर मन हमारा लगा हमारे प्रभु की आज हमने पूजा नहीं करी, हे प्रभु स्वीकार करना श्री राधा, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद कृपा बिहारी, तो कहते भगवान वो पूजा सबसे पहले स्वीकार करते हैं। भगवान जो है, भगवान कभी भी तन की निकटता नहीं देखते मैया, मन की निकटता देखते हैं। किसकी निकटता देखते हैं? मन की। तो कहते हैं महाराज भगवान मन की निकटता तो देखते हैं, पर भगवान को मन कैसा पसंद है मालूम है आपको? नहीं मालूम है? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन मोहि शोभावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल जन मन सो मोहि भावा। तो भगवान कैसा मन कहते हमें चाहिए? देखो भैया हम जैसे किसी को कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? तो भाई भगवान को हम क्या दे सकते हैं? पैसा? पैसा दे सकते भगवान को? नहीं, भगवान की स्वयं लक्ष्मी मैया तो चरण दबाने वाली। हाँ, और महाराज अगर कहें भगवान को रत्न दे दें, वस्तु दे दें,
तो भगवान जहाँ रहते हैं क्षीर सागर में रत्नाकरम वहां उनका घर है। तो भगवान को क्या दें? भगवान केवल आपका मन चाहते हैं। जो ये मन तुमने संसार में लगा रखा है ना, उसी मन को बस तुम मुझे सौंप दो। भगवान केवल इतना ही चाहते हैं और भगवान कुछ भी नहीं चाहते। किंतु मन भी कैसा हो, मन निर्मल होना चाहिए, इसमें कपट नहीं हो, कोई छिद्र ना हो, कोई संदेह ना हो, काम क्रोध लोभ नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसा मन स्वीकार करते हैं। और भैया दूसरी बात, चलो थोड़ा थोड़ा जगह बना दो भक्तों को बैठने के लिए, थोड़ा इधर बढ़ के बैठ जाओ। मैया आप लोग थोड़ा इधर बढ़ाओ, जो बीच में जगह इधर बढ़ाओ तो उधर तो निकलने की रास्ता हो जाए। तुम कहां पे थे? भगवान को मन निर्मल चाहिए। तो महाराज जो कपट भरा होता है, ये कपट हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर कपट है कि नहीं? कपट का अर्थ क्या हुआ? बोले काला पटा इति कपटहा। बोले अगर जैसे हमारे सामने काला कपड़ा पड़ जाए, ठीक है, तो ना तो आप हमें देख सकते हो ना हम आपको देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो इस संसार में हैं, अगर हम हैं कुछ और, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं, तो ये है कपट। और अगर हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही दुनिया में दिख रहे हैं, तो हम हैं निर्मल। जैसे मान लो कोई हमारे पास में आया है, हमसे कोई मिलने के लिए आया और हम बढ़िया बैठे दूध मलाई खा रहे हो, कोई आ जाए दूध मलाई अलग रख दें, कुल्ला कुल्ला करके हाथ में माला लेकर बैठ जाए, तो ये क्या है? कपट। और अगर हम कुछ खा रहे हैं, कोई आ गया तो आने दो, स्वागत है, तो ये क्या हुआ? जैसे हम हैं वैसे ही भैया हम आपके सामने हैं, हमें स्वीकार करो चाहे ना करो। उसी प्रकार से हमें जैसे हम होते हैं वैसे ही भगवान के सामने भी बनकर रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर काम क्रोध लोभ है, तो भगवान के सामने ये मत कहो प्रभु मैं आपका भक्त हूं मुझ पर कृपा करो, भगवान कभी भी कृपा नहीं करेंगे। अगर कृपा चाहनी है तो भगवान को ऐसे ही शब्द प्रभु मैं कामी क्रोधी लोभी दुष्ट नाथ मुझे शुद्ध करके अपने चरणों के लायक बना लो ना, प्रभु हम तो इस लायक नहीं हैं कि हम आपको पा सकें, आप हमें मिल सकें, क्योंकि हमें अपने कर्मों पर भरोसा है हम आपको पा नहीं सकते, किंतु हमें आप पर भी भरोसा है नाथ, आप हमें अपने लायक बना लो, हम तो नालायक हैं, हम जैसे नालायक को आप ही अपने लायक बना लो। तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य सच मान लो मेरी मैया मेरे भक्तों, प्रभु की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपके सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे, आपके जो अवगुण हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, बस आपको केवल भगवान अच्छे लगेंगे या भगवत धर्म या भगवान का कार्य ही अच्छा लगेगा। तो महाराज चौथा क्या बताया? देखिए याद है पहला क्या बताया था? पहला बताया था जितासनो, अपना आसन जीतो, जित श्वासों सांस के द्वारा भगवान का नाम जप करो, जित संगो संग भगवान के संग रखो, मन भगवान में रखो, तन कहीं भी हो, इससे मतलब नहीं तन घर पे नहीं बाहर है कहीं है। मन तो होना चाहिए वृंदावन बिहारी लाल के ही पास।
जिस प्रकार से हम रोज रोज तो वृंदावन नहीं जा सकते, किंतु हम एक बार वृंदावन हो आए, महीने में एक बार या दो महीने में, छह महीने में वहां जाकर के परिक्रमा लगाई, उस परिक्रमा को हमने मन की आंखों से बसा लिया अपनी आंखों में, और रोज हम जब बैठे पूजा में उसी वृंदावन का ध्यान करें। हम बिहारी जी के पास में हैं, बिहारी जी का ध्यान करें। हम राधा वल्लभ जी के पास में हैं, उनका ध्यान करें। हम राधा रमण के पास में हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी। जो फल हमको वृंदावन रहकर मिलता है, वही फल हमें अपने घर में रहकर के मन को बिहारी जी तक पहुंचाएंगे तो वही फल मिल जाएगा मेरे प्यारे। हमारा वृंदावन कैसा है आप जानते हो? हाँ, ये वृंदावन क्यों बनाया है? ये भक्तों के लिए ही बनाया है, चाहे तन से रहो चाहे मन से रहो। कैसा वृंदावन है? तो कहते हैं, कुछ रसिक संतों ने बताया है, प्रेम की विपास पास देख निज प्रेमियों को। देखिए बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की विपास पास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र तोड़ सीमा तोड़ आया है। क्या कह रहे हैं? प्रेम की विपास पास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, अरे कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु लगाया है। चिंता मणिने जटित चारु चादर बिछाई, जहां भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण, अरे भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास है तो देखो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो देखो वृंदावन बसाया है। तो भैया ये जो वृंदावन है, ये कोई टहलने की जगह ना है। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे, अगर टहलने का मन हो कहीं और टहल लेना। अगर वृंदावन टहलने आए तो फिर टहल ही जाओगे महाराज, इस दुनिया के नहीं रह जाओगे। कि जब हमारे बाके बिहारी जी से आपकी आंखें लड़ जाएंगी तो फिर किसी और से नजरें लड़ाने के लायक नहीं रहोगे। क्योंकि ये जो वृंदावन है ना, ये प्रेमियों रसिकों के लिए है, नहीं तो औरों के लिए कल्पतरु वृक्ष है, उसमें से जो चाहिए ले लो। किंतु अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए महाराज, तो वो प्रेम तो आपको केवल और केवल वृंदावन में ही मिलेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ मैया, थक गए क्या? और धीरे बोलो, जय जय श्री। आप लोग तो सो जाते हो हैं? तो महाराज चौथा है जितेंद्रिया। अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या करो? बोले जितासनो, अपने आसन को जीतो। जिता जितें, हाँ जितासनो जित स्वासो। पहला अपने आसन को जीतो, दूसरा सांस के द्वारा भगवान का नाम जपो। तीसरा जित संगो, संग अच्छा करो। अगर संग बुरा होगा ना, अगर आपने शराबी का संग किया, आप कितने भी अच्छे हो, एक दिन आपको शराब की दुकान पर बैठा देगा।
और भैया अगर तुम कितने बुरे हो, अगर तुमने भक्त का संग किया है तो एक दिन तुम्हें मंदिर में ले जाकर खड़ा कर ही देगा। और चौथा कहते हैं, जितेंद्रिया अपनी इंद्री को जीते। हम पूजा कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है लाओ थोड़ा लेट लें, नहीं, अगर पूजा का समय हमें सुबह का 6 बजे का बनाया है तो 6 बजे करना ही है, फिर नींद आगे नहीं चलेगी। शाम का संध्या का समय 6 बजे है तो 6 से 7 नहीं होगा, आलस नहीं होना चाहिए। धाम में गए हैं, हमें खाने के लिए रोटी सब्जी मिल रही, हमारा मन पूड़ी खाने का है, हम दुकान पे ना खाकर वही मधुकरी पाल लें, तो ये इंद्री को जीतना हो गया। देखिए हम लोग परेशान क्यों होते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं हम अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाते हैं। ये खाती है कमजोर, तो महाराज फिर सही नहीं रह पाते, इसने अपनी इंद्री को जीत लिया। बुढ़ापे में तो हो सके भोजन करना चाहिए, सुबह उठा नाश्ता उस्ता बढ़िया कर लिया, फिर सीधे शाम को दूध दूध लिया, रात्रि में भोजन किया, नहीं तो दोपहर में किया तो रात्रि में केवल दूध दूध लेकर सो गए। उससे क्या होता, आपकी जो पाचन शक्ति होती है, अग्नि होती, धीरे धीरे जो खाया उसको पचा देती है। और एक फायदा और भी है महाराज, जब आप अपने भगवान में मन लगाओगे, घर गृहस्थी में नहीं लगाओगे, तो उससे आपकी घर में इज्जत भी बढ़ जाएगी। नहीं तो आपने कहा बहू जरा 4 पकौड़ी निकाल देना, महाराज बहू बोली यहां मरने की फुर्सत नहीं है, दिन भर काम करो, इनको 4 पकौड़ी निकाल के हैं। महाराज पकौड़ी तो मिलेंगी पर कहीं ना कहीं वो आपसे परेशान अवश्य हो जाएगी कि ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे। तो अगर चाहते हो जीना तो क्या करो, अपने आप इंद्रियों पर कंट्रोल करने लगो। तुम ये नहीं देखो कि मैं बड़ा हूं, मुझे हर चीज बेड पर मिलनी चाहिए, नहीं, हमारे हाथ पैर मजबूत हैं, अपने आप अपना कार्य करने में सक्षम है। तो ये इंद्रियों को जीतना चाहिए, जब तक इंद्री नहीं जीतोगे तो आप अगर ध्यान में बैठोगे भी तो मन कहीं और भागेगा, कहीं कहेगा रसगुल्ला खाना है, कहीं रसमलाई खाना है, और आपका मन नहीं लगने वाला। क्या कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के घोड़े चले, और अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि अपने मन को कंट्रोल करके धीरे धीरे भगवान की ओर पहुंचाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो ये मन घर परिवार में ही लगा रहेगा, कभी भी हमारा मन भगवान में लगने वाला, बोलो बोलो, हमारा मन भगवान में लगने वाला नहीं है।
और कहते हैं महाराज इस प्रकार से फिर सुखदेव जी ने फिर भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन बताया है। जब ध्यान लगाएं तब उसमें भगवान का रूप का दर्शन करें। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा। फिर कहते हैं भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया। देखिए जो भी भगवान का व्यासपीठ पे आकर स्वागत करने के लिए आ रहे हैं उसे प्रभु की बड़ी कृपा है जो आ रहे हैं, क्योंकि बिना कृपा के किसी के मन में ऐसा भाव नहीं आता कि हम आकर के स्वागत करें या प्रभु को कुछ चढ़ाएं या प्रभु को अपने घर बुलाएं। हाँ, प्रभु को प्रभु से प्रेम होना, अपने घर बुलाना, प्रभु का सम्मान करना, भक्तों का सम्मान करना, घर बुला के भोजन कराना, ये किसके मन में आता है? बोले जिस पर इनकी कृपा होती है। नहीं तो किसी के मन में नहीं आएगा कि हम सम्मान करें या फिर प्रभु को घर पे बुलाकर भोजन कराएं या प्रभु का सम्मान करके कथा में आए बैठे। क्या दिल्ली में इतने लोग ही रहते हैं? नहीं, किंतु आया कौन? जिसको मेरे प्रभु ने बुलाया। हालांकि भैया ज्यादा ना ही आए तभी बढ़िया, उनकी जगह तो पहले से फुल पड़ी है, हैं? जगह तो बचना रही, गर्मी का वैसे भी टाइम है, का फायदा किसी की तबीयत वबीयत खराब हो जाए। तो ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। और कहते हैं महाराज विराट पुरुष का दर्शन बताया है, भगवान का दर्शन किस प्रकार करें, और फिर बताया है हमें कुछ भी संचय करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ भी है एकत्रित नहीं करना चाहिए। हम लोग युद्ध क्यों करते हैं? आपस में युद्ध क्यों होता है? आवाज थोड़ी सही कर रहे हैं। हम लोगों में युद्ध क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर संतोष नहीं होता है, और जब हमारे अंदर संतोष नहीं होता है तब हमें और पाने की चाह लग जाती है, और भैया वही चाह हमको क्या करती है? वही चाह हमें युद्ध कराती, आपस में फूट डलवा देती, भाई भाइयों में, बच्चों में। कौन ही फूट डराने वाला है? हा? केवल हमारी चाह। कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, और जिसको कछु ना चाहिए वो साहन को साह। तो भैया अपने मन में शांति रखो, कोई चाह ना रखो। और सुखदेव जी ने अगर कहा है कोई चाह है तो किसी से मत मांगो, केवल भगवान से मांगो। किससे मांगो? ओ मैया सो गई का? किससे मांगो? हाँ,
तो बताते हैं कौन सी कामना से कौन से भगवान देवताओं को भजना चाहिए। तो कहते हैं जिसको ऊंची पदवी चाहिए हो वो ब्रह्मा जी को भजे, जिसको बुद्धि चाहिए हो ज्ञान चाहिए वो शिव जी को भजे, जिसे ऊंचा पद चाहिए हो वो इंद्र को भजे, जिसे डॉक्टरी में वैद्यकी में महारत हासिल करनी हो वो अश्वनी कुमारों को भजे, जिसको खूब धन चाहिए वो लक्ष्मी माता की पूजा करे, जिसको अच्छी बहू चाहिए पत्नी चाहिए वो माता दुर्गा की उपासना करे, जिसको बलवान बनना है वो महाराज हनुमान जी की पूजा करे। और कहा है जिसको कुछ ना चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। अब परिचित को आश्चर्य लग गया, सुखदेव जी ने क्या कहा, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या कहा है, अकामा मतलब कोई कामना नहीं, और बोले सर्व कामो वा, अगर आपकी जितनी कामनाएं, अगर कामनाएं ज्यादा हैं तब भी इन्हीं को भजो, अगर कामनाएं नहीं तब भी या कामनाएं बहुत सारी हो तब भी इनको भजो, क्योंकि सारी कामनाएं पूरी करने वाले केवल और केवल भगवान हैं। कि देखिए अगर हम किसी औरों को भी भजेंगे तो वो आखिर भगवान से तो मांग कर हमें देते हैं, और बताइए किसी की क्या एक ही कामना होती है, नहीं, हजारों लोगों की हजारे कामनाएं होती हैं। एक लोग की ये तो है नहीं केवल हम मान प्रतिष्ठित हो जाएं, बच्चे भी हो जाएं, पद भी मिल जाए, स्वस्थ रहें, है ना। तो इसलिए बोले तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, जो परम पुरुष होता है वो केवल तीव्रता से शीघ्रता शीघ्र करके भगवान को ही भजता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ भैया अभी कथा तो बहुत बाकी है और समय कम, या देर तक कथा करें, 10 बजे तक करें, हाँ 10 बजे तक करें, कोई दिक्कत तो ना है रात के। बोले महाराज जी हमें कोई ना दिक्कत है, घर में 440 वोट के बैठे हैं वो ना छोड़ेंगे, बताएंगे भैया मीरा बनी हो जाओ, चली जाओ तुम मीरा बन के वृंदावन में ही जाओ, साधु बन जाओ साध्वी बन जाओ है। बोले महाराज जी घर से फिर निकासी दे दी जाएगी, बोलेंगे जाओ 7 दिन तक यही कथा सुनो और यही पांडाल में सो जाकर। बोलो राधे राधे, आधे आधे नहीं सब बोलो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तो भैया खैर आप चिंता ना करो इतनी देर तक नहीं करेंगे, पर थोड़ा विलंब हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर कहते हैं परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है महाराज, ये जो भगवान दुनिया को बनाने वाले हैं इन्होंने दुनिया क्यों बनाई है, क्या सोच कर दुनिया बनाई। तो कहते हैं महाराज अब सुखदेव जी को ध्यान आ गया, अरे मैंने कथा करनी प्रारंभ कर दी किंतु मैंने प्रभु का मंगलाचरण नहीं किया, मैंने प्रभु की पूजा नमस्कार नहीं किया। कहाँ किया, जहां आए सुखदेव जी तुरंत पूछा जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए, सुखदेव जी ने बताना शुरू कर दिया। बताओ भैया ऐसा कौन सा व्यास होगा जो कथा बिना मंगलाचरण के करने लगे, कोई नहीं होगा। तो कहते हैं अब सुखदेव जी ने
मंगलाचरण किया है भगवान का। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सुहृद भवास्त निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितया देहिना मंतर भवाय अनुपलक्ष वर्तने। तो कहते इस प्रकार बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी है और उसके बाद में कहा है परीक्षित, जो आज तुमने भगवान के बारे में पूछा है ना, यही बात आज से पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। कहते हैं देव देव नमस्तुभ्यम, नारद जी ने कहा प्रभु आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के पास में आए और देखा तो ब्रह्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं और उनके नेत्रों से जल बह रहा है, आंसू निकल रहे हैं। तो कहते हैं नारद जी ने पूछा पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कहा है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? आप तो जगत गुरु जगत पिता परमात्मा स्वयं जगत को रचने वाले ब्रह्मा जी हो, क्या आपसे ऊपर भी कोई है क्या? पिताजी आप जिनका ध्यान कर रहे हो वो कोई और है? तब कहते ब्रह्मा जी ने कहा नमस्ते नमस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। कहते हैं पुत्र मैं जगत गुरु नहीं हूँ, जगत गुरु तो केवल एक ही है। वो कौन है? बोले नारायण परावेदा देवा नारायणम गजा नारायणम परम लोकम नारायणम परा गति नारायणो परो योगो नारायणं परं तपा नारायणं परं ज्ञानं नारायण परागति। कहते हैं महाराज पुत्र मैं जगत गुरु नहीं, जगत गुरु तो केवल एक नारायण भगवान ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोले देखो जो ये वेद हैं ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए गाए जाते हैं, देवता लोग जो हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ये लोकपाल लोग हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, योग तप ज्ञान गति जो भी है सब भगवान के लिए हवन इत्यादि भगवान नारायण के लिए ही कराए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र किंतु इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जब तक तुम सच्चाई जान नहीं लोगे तब तक तुम्हें यही भ्रम होगा कि सच्चा जगत गुरु मैं ही हूं। अब कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपना पूर्व बताया कैसे मेरा जन्म हुआ। तो कहते हैं ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल के ऊपर मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ। और तो और
मैं जब हुआ तब मैंने देखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैंने ढूंढने के लिए चारों ओर अंधेरा छाया रहा। फिर मैंने कमल की नाल में प्रवेश किया और कई वर्षों तक उसमें रमणता रहा, किंतु कहीं भी मुझे उसका छोर नहीं मिला। जब मैं थक गया और थक कर फिर से आकर बैठा, तब मैं बोलने लगा, क्वा हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। उस समय कहते हैं दो अक्षर प्रकट हुए, पहला ता दूसरा पा, तो दोनों मिला के हो गए तपह। और देखिए भगवान की वाणी में कितना ज्ञान ब्रह्मा जी को बताना नहीं पड़ा, उनके अपने आप मन में आ गया मुझे इन्हीं जिनकी वाणी है उन्हीं भगवान का तप करना चाहिए। तो कहते हैं मैंने तप किया और तप करके भगवान ने मुझको दर्शन दिए, मेरे ऊपर कृपा करी। और कहते हैं ये जो दर्शन हुए हैं ये मुझे कैसे हुए, बोले ये मैंने नहीं किया है, ये स्वयं भगवान ने मुझ पे रीझ करके दर्शन दिए हैं। और कहते हैं नारद पुत्र जो मैं बोलता हूं वो सत्य हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा भगवान का ही माला पर, देखिए ब्रह्मा जी हमेशा ऐसे माला लिए जपते ही रहते हैं, जपते नहीं जपते हैं, तो बोले मैं भगवान का नाम जपता रहता हूं, भगवान की लीला को सुनता रहता हूं, इसीलिए मेरी वाणी में वो प्रभाव आ गया है, मैं जो बोल देता हूं वो हो जाता है। यानी महिमा किसकी हुई, नाम की। किसकी महिमा हुई, नाम की। तो कहते हैं महाराज अगर ब्रह्मा जी ही नहीं, अगर हम और आप भी सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें, तो हमें भी वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम किसी के मन की बात जान सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, किंतु हमें नाम जप करना हो। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र इसी संदेह में लोग मुझको भगवान मान लेते हैं, किंतु मैं भगवान नहीं हूं। फिर कहते भगवान ने मुझे चतुर श्लोकी भागवत सुनाई है, अहमेवाग्रे समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेताक्षे यो वशिष्यते सुवास्महम। बोले चार श्लोकों में, पहले में कहते तत्व का रहस्य बताया है, दूसरे में माया का रहस्य बताया है, तीसरे में जगत का रहस्य बताया है, और चौथे में कहते हैं जिज्ञासु का रहस्य बताया। मतलब पहले में बताया है कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई भी नहीं। दूसरा बताया है ये सब जो है ये सब मैं ही बना हुआ हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, ये सब मेरी माया है। और हे अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन मम माया दुरत्तया, मेरी माया का कोई भी पार नहीं पा सकता। और कहते हैं महाराज तीसरे में बताया है कि ये सब सारी की सारी सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तब केवल और केवल मैं ही बताता हूं। और चौथे में बताया है कि इसीलिए मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मेरे सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, मटका बनाता है, तो कैसे बनाता है, मिट्टी से बनाता है मैया, नहीं बनाता, बनाता है मैया। तो नारद जी ने कहा पिताजी भगवान ने कौन से मटेरियल से हम सबको बनाया है, जैसे कुम्हार मिट्टी से बनाता है, भगवान ने हमें कैसे बनाया। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने किसी को किसी मटेरियल से नहीं बनाया है,
वो स्वयं एक से अनेक रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं। तभी तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। मानी नहीं का केवल मैं ही मानता हूं बाकी माने नहीं, नहीं ऐसा ही जानो यही सत्य है। तो कहते भगवान ही एक रूप से अनेक रूप में खेलने के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना करी है। देखिए दिखने में तो स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, बच्चे अलग हैं, वृद्ध अलग हैं, पर है कौन सब? जिस प्रकार से देखिए आभूषण होता है, इसे मान लो ये सोने की अंगूठी है, ठीक है, ये अंगूठी है सोने की, एक सोने की चैन हो गई, सोने के कुंडल हो गए, तो ये सब कौन है? व्यवहार में तो इन्हें अलग अलग कहेंगे, ये अंगूठी है ना, ये कुंडल है, ये चैन है, ये मांग बेंदी है, किंतु मूल तत्व रूप उसका क्या होता है? वो सब सोना है, वो सब गोल्ड है, है ना। जिस प्रकार से हम लोग हैं व्यवहार में तो कहेंगे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये बच्चा है, ये वृद्ध है, किंतु सब कौन है? काया तो सबकी अलग अलग, जैसी अंगूठी काया अलग है, झुमके की अलग है, किंतु सारे मूल रूप से सोना है, वैसे ही सारे के सारे प्रभु के ही अवरूप हैं। इसलिए भैया कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं सुखदेव जी ने 10 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण। कहते हैं भागवत महापुराण में 10 लक्षण बताए गए हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षण हैं जो कि बाकी के बचे हुए स्कंदों में हैं, तीसरे स्कंद से लगाकर द्वादश स्कंद तक। जिसमें कि पहले इसमें पहले कहते हैं सर्ग का वर्णन किया गया है, सृष्टि के संबंध में बताया गया है। तीसरे स्कंद में बताते हैं सृष्टि कैसे बनी, कौन आया कौन नहीं आया, किसने क्या किया, ये तीसरे स्कंद में बताते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले कथा शुरू करते हैं सृष्टि की, कि जब विदुर जी से कथा प्रारंभ करते हैं। जो विदुर जी थे, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में गए और कहने लगे भैया जिस प्रकार से अंग में फोड़ा हो जाए, क्या कहते हैं, जिस प्रकार से अगर अंग में फोड़ा हो जाए तो फोड़े को उसका इलाज कराना चाहिए, नहीं वो फोड़ा बढ़ करके हमें दुख देता है। वैसे ही आपके 100 पुत्र हैं, 100 में से अगर आप कौरवों में से एक दुर्योधन के हटा दोगे तो आपके 99 पुत्र सुरक्षित बचेंगे। किंतु कहते हैं धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी, दुर्योधन ने उनको राज्य से निकाल दिया। और कहते हैं जब राज्य से निकाला ना, तब भगवान धृतराष्ट्र जी वहां से, वो विदुर जी वहां से अपनी झोपड़ी में आ गए और भजन करने लगे। इधर कहते हैं भगवान पांडवों का संदेश लेकर के आए हैं, इधर भगवान पांडवों का संदेश लेकर के आए हैं और आ करके जब दुर्योधन से 5 गांव मांगे तब भी उस दुष्ट ने साफ साफ मना कर दिया। और फिर कहते हैं भगवान ने विदुर जी के घर में
साग और रोटी खाई है, केले के छिक्कल भी खाए हैं। हाँ भक्त क्या गाते हैं, आज हरि आए विदुर घर पालना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि आए विदुर घर पाहुना। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं हाँ विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पाड़े, आवत देखे सारंग पाड़े, भोजन कहाँ जीवावेड़ा हो, भोजन कहाँ जीवावेड़ा, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। बोल हरि केला बहुत प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब मेरे श्याम, हो नंदलाला हो, केला बहुत प्रेम से लाए, गिरी 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 ओ गिरी गिरी सब देता गिराए, गिरी गिरी सब देता गिराए, गिरी गिरी सब देते गिराए, लागे बहुत सुहावना हो, लागे बहुत सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। इतने माहे विदुर जी आए हो, इतने माहे विदुर जी आए, इतने माहे विदुर जी आए, खरे खोटे बचने सुनाए, खरे खोटे खरे खोटे बचन सुनाए, कहाँ गवाई भावना
हो तेने कहाँ गवाई बाबना आज हरी आए बिदुरे घर पाहुना आज हरी आए बिदुरे घर पाहुना आज हरी आए बिदुरे घर पाहुना आज हरी आए नंद लाला विदुरे घर पाहुना आज हरी आए विदुरे घर पाहुना आज हरी आए विदुरे घर पाहुना। बोले भक्तराज विदुर जी महाराज की जय हो। फिर कहते हैं भैया आवाज सही करती है। फिर कहते हैं विदुर जी ने तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इतने में इधर कहते हैं सारा महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान स्वधाम को चले गए। और कई वर्षों बाद कहते हैं विदुर जी यमुना किनारे पहुंचे, वहां पर उनको उद्धव जी मिल गए। और मैया जो उद्धव जी मिले, उद्धव जी विदुर जी की भेंट हुई है, खूब प्रेम से दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया है। फिर बाद में उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, और विदुर जी सुनाइए कैसे हैं। विदुर जी ने कहा हम तो ठीक हैं, किंतु ये बताइए हमारे प्रभु कैसे हैं। तब उद्धव जी ने कहा विदुर जी प्रभु तो धराधाम छोड़कर चले गए। इतना सुना तो विदुर जी बोले हे राम, मुझे पता भी नहीं मेरे प्रभु यहां से चले भी गए। बोले किंतु उन्होंने ये कहा था कि मैंने सबका कर्ज उतार दिया है, किंतु मैंने अपने विदुर काका का कर्ज नहीं उतार पाया। मैंने जो उनके केले के छिक्कल खाए थे, साग रोटी खाई थी, वो मैंने आज तक उतार नहीं पाया हूँ। देखिए मेरी मैया, देखिए भक्तों, भगवान सारे कर्ज उतार देते हैं, किंतु जो भक्त भाव से उन्हें खिलाता है, सच्चे भाव से, वो भगवान कर्ज कहते हैं मैं वो कर्ज नहीं उतार पाता हूँ। भगवान कहते हैं अगर सच्चे मन से मेरा भक्त मुझे कुछ भी भेंट देता है, कुछ भी मेरे लिए कार्य करता है, मैं उसका कभी भी कर्ज नहीं उतार पाता हूं। मैं सोचता हूं मैं उसके लिए क्या कर दूं। मैया, ओ मैया, हाँ हो है, कथा सुन लो मैया। हम बता रहे हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता जो सच्चे भाव से मेरी सेवा करता है। जो भगवान के भक्तों को भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है, भगवान कहते हैं वो मेरी सेवा हो रही है। जो मेरे धाम में आकर आता है, जो उसकी सेवा होती है, वो समझो मुझे सेवा प्राप्त, बोलो बोलो, होती है। तो मेरे प्यारे, आप लोगों को भी बहुत सुंदर मौका मिला है। आप लोग भी अगर चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी सेवा कर सकते हैं। जो भविष्य में अभी कुछ सालों बाद जाकर के वृंदावन में होगी, जब आपके पैसों के द्वारा, देखिए हमें धन का लालच नहीं, ना हम वो धन अपने पास रखते हैं। जो भूमि का धन होता है वो भूमि में ही लगेगा, उसका हमें एक पैसा नहीं खाना, बल्कि जो हमारे पास अलग से हमें मिलता है वो भी हम थोड़ा बहुत रखते हैं, अन्यथा हम उधर ही जमा करते रहते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, व्यासपीठ पर बैठे हैं भगवान की कृपा से। मैं केवल जितना दाल रोटी खाता हूं और कपड़े भी ज्यादा नहीं लेता हूं कि आप लोग ही कथा से लिवा देते हो, तो मैं ना कोई गुटखा खाता, ना कोई गलत काम करता हूं जो पैसे लगे। मैं पैसे कहीं खर्च नहीं होते हैं,
जो मुझे मिलते वो भी मैं भूमि दान के लिए ही जमा करवा देता हूँ। आप पेट है तो दाल रोटी खाने में भाई थोड़ा तो खर्चा लगेगा ही, घर परिवार है। तो इसलिए अगर आप लोग भी अपना पैसा सार्थक करना चाहें ब्रज मंडल में, वैसे तो एक कण भी पाना मुश्किल है, किंतु भागवत के द्वारा भगवान की कृपा से आप वहां पर अगर एक फुट भी भूमि ले लेते हैं, हम कहते आधा हाथ भी अगर आपके नाम की भूमि जाती है ना, तो महाराज हम कहते आपके कई कुल कई पीढ़ी तर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां जब जब भक्त रहेंगे, जब जब उस भूमि पर बैठेंगे, वहां आपके पैसों का भोजन करेंगे, आपके दिए हुए पैसों के हवा लाइट इत्यादि में रहेंगे ना, तब वो आपका पैसा सार्थक होगा। देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं लगता ही है, घर में भी लगता है, लाइट का देना, ये करना, वो करना, पानी का, सब लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम कुछ पैसा उसी में, जैसे हम वाटर टैक्स जमा करते हैं, हाउस टैक्स करते हैं, लगता है पैसा नहीं लगता, किंतु हम धर्म के काम में पैसा कभी जमा करते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पर इनकी कृपा होती है केवल वही कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा, करना भी चाहेगा तब भी उसके पास पैसे नहीं निकलेंगे भगवान के लिए। तो हम चाहेंगे आप लोग अवश्य मदद करें भूमि दान के लिए, या जो भी आप सेवा करना चाहें, अपना रसीद कटवाएं, प्राप्त करें, इससे आप लोग के सहयोग से हम शीघ्र अति शीघ्र भूमि ले पाएंगे मेरी माँ, क्योंकि वृंदावन में भूमि बहुत महंगी, आप लोग तो जाते हो वृंदावन जानते हो, है महंगी कि नहीं महंगी महाराज? 15,000, 11,000, 21,000 गज चलती है, 10 फुट में एक गज आता है, तो इतनी सस्ती नहीं कि मैं स्वयं ले पाऊं, किंतु हाँ अगर आप लोग एक एक बूंद भी पानी डालोगे ना, तो एक दिन घड़ा अवश्य भर जाएगा। आप लोग अगर सेवा करोगे, आप जो देना चाहो आप दे सकते हो, जो दोगे वही जमा कर करके हम वृंदावन में भूमि लेंगे, भूमि लेकर के उस पे ईटा सरिया मोरंग के द्वारा बड़ा सुंदर भवन बनेगा, और वहीं पर आप लोग चाहे आपके रिश्तेदार चाहे अन्यथा कोई भी विश्व का आए, उसके लिए आश्रम में कभी भी एक रुपया नहीं मांगा जाएगा, वहां पर हमेशा रुकने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। किंतु अगर आपकी इच्छा हो प्रभु प्रेरणा दे तो सेवा करना, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। तो आइए उन कुछ दान दाताओं का नाम सुनते हैं, उन दानवीरों का जिन्होंने कुछ सहयोग किया है, उसके बाद में आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए कुछ भक्तों ने श्री राधे गोविंद सेवा आश्रम भूमि दान के लिए सहयोग किया है, आगे हाथ बढ़ाया है, उन दानवीरों के नाम जाने सुने। गुप्त दान आया है 101 रुपए, 501 रुपए मयंक महेश कुमार जी करावल नगर से हैं, 201 रुपए सियाराम राठौर जी फिरोजाबाद से हैं। इन दानवीरों के लिए आप सभी भक्तजन जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बिहारी जी से प्रार्थना है, हे बिहारी जी, जो भी आपके भक्तगण प्रेमी आपके भूमि दान में सहयोग कर रहे हैं, उनका घर खुशहालियों से धन्य धान से भर देना। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से कथा का रसपान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए जिन लोगों ने भी किया, देखिए मैंने कहा ना ज्यादा नहीं कर पाएंगे, करेंगे वही जिस पर कृपा होगी। तो जिन लोगों ने भी किया उनको व्यास पीठ से यही आशीर्वाद है कि उनका सदैव मन भक्ति में लगा रहे, उनके कोई भी विपदा ना आए, सारी श्रद्धा भगवान में जुड़ जाए, और उनके घर में याद रखना कभी कमी भी होने वाली, बोलो बोलो, नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए। आजकल महाराज अपना घर चलाना बहुत बड़ी बात है, और उसमें से भी अगर कोई अपना पेट काट करके अगर कुछ रुपए दे रहा है
तो वो कितना प्रभु उसका ऋण मानेंगे मालूम है आपको, और उसका कितना गुना देंगे इसका तो कोई व्याख्यान नहीं है। सुदामा के तीन मुट्ठी चावल खा करके त्रिलोकी देने को तैयार हैं, क्या वो प्रभु आपके देने पर आपके क्या दुख हरने वाले नहीं है? अब वो तो जैसी जिस पर कृपा होगी वैसा ही करता रहेगा। बोलो राधे राधे, आधे आधे नहीं सब बोलो जय जय श्री मैया। आधे आधे बोलोगे, थक गए क्या? आरती करें मैया, आरती करें तो फिर क्यों नहीं बोलने? बोलो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तो कहते हैं महाराज, विदुर जी का ऋण भगवान नहीं उतार पाए इसलिए कहा है उद्धव जी से कि उद्धव जी जब विदुर जी आपके पास में आए तब उनसे कहना वो मैत्रेय जी के पास में जाए, मैत्रेय जी से मेरी कथाएं सुने और अपना ज्ञान प्राप्त करें, तब मेरा ऋण उतरेगा। तब कहते हैं रात भर विदुर जी और उद्धव जी की चर्चा हुई है, और फिर जब प्रातः काल हुआ तब कहते हैं महाराज विदुर जी आए हैं मैत्रेय जी के पास में। मैत्रेय जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है और फिर विदुर जी ने प्रश्न भी किया है, सुखाय कर्माणि करोत लोको नाते सुखम वान्यतु परम वा। बोले महाराज मुझे ये बताइए कि कोई सुखी क्यों नहीं, कोई सुखी क्यों नहीं है? जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है, जो ज्यादा लंबा है वो कहता थोड़ा सा छोटे हो जाए, जो ज्यादा छोटा है थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए, है ऐसा कि नहीं? जिसके पास में साइकिल है वो गाड़ी चाहता है, जिसके पास में गाड़ी है वो कार चाहता है, जिसके पास में कार है वो और बढ़िया चाहता है, और महाराज कुछ तो एरोप्लेन भी चाहते होंगे। बोले राधे राधे। बोले नहीं महाराज जी वो नहीं चाहते, इतनी जगह नहीं है खड़ी कर, मतलब चाहते तो हो है ना, जगह ही तो नहीं है। हा? तो कोई सुखी क्यों नहीं होता है? किसी के पास में छोटा घर है तो वो बड़ा घर चाहता है, बड़ा घर वाला एक कोठी चाहता, कोठी वाला महल चाहता है। मेरे प्यारे ये चाह है, चाह आपको ना जाने क्या क्या कराती रहेगी। क्या खूब कहा है किसी ने कि चाह ना जाने क्या क्या करती और कराती रही। चाह ना जाने क्या क्या करती और कराती रही, चाह पैसा से रुपया बनाती रही, चाह रुपियों से नोट बुनाती रही, चाह नोट से कोठी ले जाती रही, चाह कोठी से गाड़ी में लाती रही, और चाह गाड़ी से होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह ना जाने क्या क्या करती कराती रही। और सुनिए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हर से लगा जी हरा हो गया। और चाह है इतनी अब राधा नंदन की, मेरे प्यारे चाह है इतनी अब बस राधा नंदन की, अगर ये चाह जाए तो अब क्या चाहिए, अगर ये चाह जाए तो क्या चाहिए। तो महाराज सबका कारण क्या? चाह। और चाह गई चिंता मिटी,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास, सुखी श्याम के दास। तो भैया इसलिए केवल चाह भगवान से करोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया में चाह करोगे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला बोलो बोलो नहीं है। हा? तो कहते यही बात मैत्रेय जी ने कहा है कि आदमी दुखी चाह से होता है। और कहते हैं महाराज फिर सृष्टि का वर्णन बताते हैं, फिर बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना क्यों करी। तो कहते हैं जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, तब कहते ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिक को उत्पन्न किया है, चार ऋषि हुए हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों से कहा बेटा, बोले जी पिताजी, बोले तुम एक काम करो तुम सृष्टि की रचना में सहयोग करो, शादी ब्याह करो और बच्चे पैदा करो। बोले पिताजी जीवन में सबसे अच्छा क्या है, पिता ने कहा जीवन में सबसे अच्छा तो भगवान का भजन है। कहते हैं सनकादिक जी ने कहा पिताजी फिर क्षमा करिएगा, हम तो केवल भजन करेंगे, हम गृहस्थी में नहीं पढ़ने वाले। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्टों तुम पिता की बात नहीं मानते, जाओ अब तुम 5 वर्ष के रहोगे, इससे बड़े तुम होने वाले नहीं हो। सनकादिक जी ने कहा पिताजी ये श्राप है कि वरदान, बड़े होंगे तो मन में काम क्रोध उत्पन्न होगा, जब इतने बड़े रहेंगे तो बताओ 5 साल के बच्चे के अंदर क्या होता है, क्रोध आता है, कुछ भी नहीं आता। फिर कहते उनको जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध से ही भगवान रुद्र प्रकट हुए हैं, शिव जी हुए, शिव जी ने कहा बताइए ब्रह्मा जी क्या आज्ञा है, बोले महादेव आप सृष्टि की रचना करो। शिव जी ने कहा जैसी आज्ञा, शिव जी ने डाकनी साकनी पिसाचनी प्रेत बेताल राक्षस सब पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि रची नहीं और सृष्टि से पहले लुटेरे आ गए, कैसे काम चलेगा भैया। तो कहते हैं महाराज शिव जी से कहा शिव जी आप अपनी सारी की सारी सृष्टि पाताल में ले जाओ, यहां रहे तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो कहते हैं महाराज फिर कहते हैं उन्होंने मन से ही 9-10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। कौन कौन पुत्र हैं, बोले मरीच जी अत्रि जी अंगिरा पुलस्त पुलाह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें हुए हैं नारद जी। और कहते हैं महाराज इन्हीं के वाणी से कहते हैं सरस्वती जी उत्पन्न हुई है, काहे से उत्पन्न हुई है वाणी से सरस्वती जी उत्पन्न हुई। और कहते हैं छाया से ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए हैं। फिर कहते हैं फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी महाराज, तब कहते हैं इन्होंने 2 जोड़ा उत्पन्न किया स्त्री और पुरुष का,
दाहिने अंग से पुरुष को और बाएं अंग से स्त्री को उत्पन्न किया है, उन्हीं का नाम पड़ा है मनु और सत्रुपा। ये दुनिया के सबसे पहले स्त्री पुरुष का जोड़ा है, यहीं से मैथुन सृष्टि की रचना होती है। और कहते हैं महाराज, जब ये नीचे आए तो इन्होंने देखा यहां पर तो पृथ्वी ही नहीं है। बोले पृथ्वी कहां गई? तो कहते हैं पृथ्वी को हिरण्याक्ष हर ले गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है ये हिरण्याक्ष कौन था? क्या प्रश्न किया मैया? हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्याक्ष बीच में कहां से आ गया? तो कहते हैं राक्षसों की माता है दिति। एक बार दिति के मन में संध्या के समय काम वासना आ गई। उन्होंने कश्यप जी से याचना करी। क्या कहा कश्यप जी से? याचना करी है कि प्रभु मुझको बालक चाहिए। कश्यप जी ने कहा देखो देवी, तुम्हारा जो कथन है एकदम गलत है। इस समय संध्या का समय है और संध्या के समय में चार काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन से? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च। देखिए आप लोग भी हमेशा याद रखिए, चार काम संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है मत करना। पहला भोजन मत करना, नहीं तो बीमार हो जाओगे जब सूर्य ढल रहा हो। यानी 6 से 7 के बीच में नहीं, 7 के बाद कर लो, या सूर्य समय कितने 6 बजे के बाद ढलते ना, तो 6 से पहले कर लो। जाड़ों में 5 बजे ढलते तो 5 से 7 के बीच में, 6:30-7 तक ना करो। गर्मियों में 6 बजे से 7 बजे तक संध्या के समय नहीं करना चाहिए। उस समय केवल पूजन किया जाता है भगवान का। उस समय भोजन करने वाला बीमार हो जाता। बोले जो शाम के समय सो जाता है, शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, नींद भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? बोले जो सोता है शाम के समय वो दरिद्री होता है, उसके घर में कभी कुछ रुकता नहीं है। और तीसरा कहा है शाम के समय सूर्यास्त के समय स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, यानी पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। 6 से 7 के बीच में लोग बहुत अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं शाम में, उनके पल्ले कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। संध्या के समय जो पढ़ाई करता है वो सब भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है। और चौथा है कहा है महाराज, जो भोग करते हैं शाम के समय, जो काम भोग करते हैं, उनके घर में दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। कहते हैं बहुत समझाया जब नहीं मानी, तो कहते हैं दिति के मन का मनोरथ पूरा किया है। फिर कहते हैं महाराज, जब उनका कामक ज्वर शांत हुआ, अब दिति मैया रोने लगी, हाय ये मैंने क्या कर लिया, अब प्रभु क्या होगा। तो कहते हैं कश्यप जी कहते हैं कि अब होगा क्या, अब आपके गर्व से 2 नए आतंकवादी पैदा होंगे, जो देश में ना जिएंगे ना जीने देंगे, कहीं इधर बम फोड़ेंगे कहीं उधर बम फोड़ेंगे। हाँ, कहते हैं दिति माता ने 100 वर्ष तक तो जन्म लेने ही नहीं दिया अपने बच्चों का। फिर कहते हैं 100 वर्ष के बाद में 2 बालक हुए हैं, 2 आतंकवादी पैदा हुए, पहला हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यपु। तो कहते महाराज दोनों ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी की वरदान प्राप्त किया है, बड़ा बलवान हुआ हिरण्याक्ष। अच्छा, बलवान होता है ना, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए कोशिश करता है, कहां दिखाऊं कहां दिखाऊं।
अब महाराज उससे ज्यादा कोई पृथ्वी पर बलवान ही नहीं, जिसके पास जाए वही सब छोड़ छाड़ के भाग जाए। देवता लोगों पास गया, देवता लोग छोड़कर भाग गए मैया। कहते हैं एक दिन नारद जी मिल गए हिरण्याक्ष को, बोले बाबा आओ दो दो हाथ हो जाए। बाबा ने कहा भैया हमें लड़ना उड़ना नहीं आता है। बोले बाबा तो तुम्हें क्या आता है? क्या कहा है बाबा तुम्हें क्या आता है? बोले भैया हमें लड़ना नहीं आता है, पर हमें लड़ाना खूब आता है। हम इसकी उसके लगा देते हैं, इसकी उधर से उधर लगा करके लड़वा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अगर तुम मेरे पास आए हो तुमसे दुगना दूंगा तुम्हें, तुम्हारी चटनी बनाकर रख देगा। बोलो राधे राधे, आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री। तो कहते हैं महाराज एक बार क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही पाताल में लेकर चला गया। और जब मनु शत्रुपा जी को पृथ्वी नहीं दिखी तब ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। और ब्रह्मा जी ने जहां मन में सोचा अब क्या करें, इतने से नाक में छींक आई और नाक के छिद्र से कहते हैं वारा भगवान प्रकट हो गए। बोल वारा भगवान की जय। हाँ। और कहते हैं वारा भगवान सुअर का रूप धारण करके दौड़ते हुए गए हैं पाताल में, और जहां पृथ्वी को उठाने लगे पीछे से हिरण्याक्ष आया। और कहते हैं महाराज आ करके उसने भगवान के एक प्रहार किया, भगवान ने पृथ्वी को वहीं पर धर दिया। बोले अच्छा बेटा तेरा लड़ने का मन है, आ जा। अब होने लगा युद्ध, भगवान तो एक बार में ही मार दे। किंतु भगवान ने कहा अगर तुम्हारी इच्छा हमसे लड़ने की है तो हम भी लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं। तो कहते भगवान भी खेल करते रहे युद्ध में। और कहते हैं फिर भगवान ने एक ऐसा घुमा करके घूसा मारा है उसका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। और पृथ्वी को लाकर पुनः स्थापना कर दी। अब मनु शत्रुपा पृथ्वी पर पहले नारी पुरुष के जोड़े हुए हैं। और कहते हैं महाराज उन्होंने भी पहले आकर भजन किया है, भजन करने के बाद में उन्होंने क्या किया है उसके बाद में उन्होंने सृष्टि की रचना करी है। और कहते महाराज तीन बेटियां दो बेटा उत्पन्न किए, आकुति देवहूति प्रसूति, तीन कन्या और दो पुत्र उत्पन्न किए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और कहते हैं महाराज देवहूति का विवाह किया है करदम जी से। किससे किया है विवाह? करदम जी से। और करदम जी विवाह होते ही समाधि में बैठ गए। ओ मैया कहाँ जा रहे हो? ओ मैया कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? अच्छा आ रहे हो, ठीक है। बाकी ज्यादा आप लोग अभी उठो नहीं, तुम्हारा मन भाग जाएगा, अभी आरती करा देंगे। आ देखो आप ही लोग कहने पर देर तक कथा करेंगे 9 बजे तक। बोलो राधे राधे। 9 बजे तक डटे रहोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, चिंता ना करो, बस थोड़ी कथा बची है, धीरे जल्दी से उसको स्पर्श करते हुए हम लोग आज शिव जी के विवाह में चलेंगे। किसका विवाह करेंगे? शिव जी का। और शिव जी के विवाह में मैया भूत प्रेत भी आते हैं और नित्य करेंगे, शिव जी भी हमारे आएंगे, पार्वती मैया भी आएंगी और नित्य भी होगा। पर आप बराती बनोगे? कौन कौन पार्वती मैया के बराती हैं? हाथ उठाओ सब पार्वती मैया को, शिव जी के कौन बनेगा भाई? शिव जी के कौन बराती हैं? हाथ सब उठा रहे हो, सोच लो शिव जी के बराती भूत प्रेत होते हैं। कौन कौन शिव जी के बराती हैं?
क्या बात है, बोलो राधे राधे। तो आइए जो बची हुई कथा को स्पर्श करते हुए चलते हैं, फिर शिव जी की बारात में चलेंगे। हाँ, और क्या गाएंगे अभी नहीं बताएंगे। तो कहते हैं करदम जी ने सबसे पहले विवाह करके आए, तुरंत समाधि में बैठ गए, और फिर उसके बाद में कहते हैं उसके बाद करदम जी जब समाधि खुली तब तक कई वर्ष बीत गए थे, देवहूति मैया बूढ़ी हो गई। बोले आप देवी कौन? बोले मैं आपकी पत्नी। करदम जी बोले वाह, सेवा करे तो कोई आप जैसी करे। नहीं, आजकल बताइए कौन अपने पति की ऐसी सेवा करेगी? हाँ, कोई करेगी? आज तो महाराज कहते हैं विवाह होकर के आए, पति कहीं तुरंत समाधि में बैठ जाए कि आज तो हम पूजा करेंगे। पत्नी बोलेगी ये कौन थे बाबा जी से शादी करवाई थी हमारी, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और महाराज कहीं दूसरे दिन भी समाधि में बैठ जाए, लड़की कहेगी मैया काहे से शादी करा दी, ये तो बर्फ जैसा जम गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री। और महाराज जहां तीसरा दिन आएगा पत्नी नहीं मिलेगी, वो अपनी मायके ही भाग जाएगी है? लेकिन देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं कपिल मुनि, करदम जी, कपिल नहीं करदम जी। करदम जी तपस्या में हैं और देवहूति डिगी नहीं, कहीं हिली नहीं। देखिए पति पत्नी का साथ कैसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, पति पत्नी दो पहिए होते हैं गाड़ी के, एक भी अगर हल्का हो जाता है तो गाड़ी हिलने लगती है। पति को चाहिए पत्नी की बात को माने, जो उचित है, अनुचित है तो उसे समझाए। पत्नी को चाहिए पति की बात माने, अनुचित है तो वो उसे समझाए। दोनों को एक दूसरे से मिला कर रखनी चाहिए, वो उसके माता पिता की इज्जत करे, वो उनके माता पिता की इज्जत करे, तभी गाड़ी चलना उत्तम माना जाता है, अन्यथा तो भैया बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं करदम जी ने फिर एक ऐसा विमान बनाया है जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक भोग किया। पहले देवहूति और खुद जाकर के एक जलाशय में स्नान किया माया के, उससे देवहूति मैया पुनः 16 वर्ष की हो गई और खुद ये भी 21 वर्ष के हो गए। कहते इंद्र के स्वर्ग से बढ़कर विमान था, उसमें कई वर्षों तक रह करके 9 कन्या को जन्म दिया है। कितनी कन्या को? 9 कन्या को। फिर अब कहते हैं करदम जी अब वन को जाने लगे, और जब वन को जाने लगे ना मैया तो क्या हुआ? बोले तब देवहूति मैया ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो स्वामी? बोले अब भजन करेंगे, तुम्हारी मनोरथ पूरी हुई। बोले अभी कहाँ हुई, ये मैं अबला नारी, मेरी बेटियां भी सब अबला, कोई एक बेटा भी तो होना चाहिए। तब कहते करदम जी को ध्यान आ गया, हमने शादी तो इसीलिए की थी। एक बार कहते हैं भगवान जब तपस्या कर रहे थे करदम जी, भगवान ने कहा था आप विवाह करो, हम आपके बेटे बनकर आएंगे। तो कहते करदम जी ने भगवान की पुनः तपस्या की है, और इस बार कहते पुत्र रूप में साक्षात भगवान कपिल देव आ गए। बोल कपिल देव जी महाराज की जय हो। और कहते बड़े बड़े देवता महात्मा संत दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। और कहते हैं महाराज और कहते हैं
ब्रह्मा जी भी आ गए अपने 10 पुत्रों के साथ में। आए कपिल मुनि के चारों परिक्रमा करी है, उसके बाद में करदम जी से कहने लगे, महाराज आपकी 9 कन्याएं हमारे 10 बेटा हैं, जो 9 उचित लगे नारद को छोड़ दो, नारद तो ऐसे ही रहेगा, नारद केवल सन्यासी बन के रहेंगे हमारे साथ और बाकी का विवाह कर दो। तो बोले ठीक है। तो उत्तम पुरुष देख करके 9 बेटाओं का विवाह ब्रह्मा जी के अपनी 9 बेटियों के साथ में संपन्न कर दिया है। और महाराज एक बार कहते हैं क्या हुआ, एक बार मैया जो करदम जी तो चले गए अब वन को, अब कपिल देव जी धीरे धीरे किशोर अवस्था में आ गए, पर कहते हैं देवहूति मैया को शांति नहीं थी। एक बार देवहूति मैया ने करदम जी के चरण पकड़ के ही प्रश्न पूछा है कि प्रभु हमें शांति क्यों नहीं मिल रही, मैं प्रजापति मनु की पुत्री तपस्वी करदम की पत्नी फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। तब कहते हैं वो कपिल जी कहने लगे, माँ शांति कब मिलेगी, जब तुम भगवान की शरण में जाओगी, जब तुम संतों की शरण में जाओगी, जब तुम भगवान को अपना मान लोगी ना, तभी तुमको शांति मिलेगी, अन्यथा शांति मिलने वाली नहीं है। और कहते हैं महाराज, बोले तो भगवान में मन कैसे लगेगा हमारा। बोले भगवान और गुरुदेव के चरणों में जाओ और उनको अपने आप को समर्पित कर दो कि अब आपके हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। हाँ कहते हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। भजन गाएं क्या या समापन की ओर कथा को ले चले, बताओ भैया गाएं तो क्या कहना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ 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 नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, हो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राधे गाइए, कहिए प्रभु से, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे जीवन सर्वस्व,
जीवन समरे पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सरोवर तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सरवस तुम्ही प्राण प्यारे। ओ ये जीवन समर पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सरवस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान से कहिए प्रभु आपकी जैसी इच्छा वो करिए, हमें कुछ नहीं कहना है। प्रभु को समर्पित कर दिया तो हमारा रह का गया क्या कहने का नहीं आसे। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना कोई अरे जी, करे लो करा लो भगवन जो तेरी मेरे जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मेरे जी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी, कहना होगा जो हाँ, कहना होगा जो भी तुमसे कहो। हरी बोल। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही राते, ओ कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। और राधे गोविंद कृपा, राधे गोविंद कृपा मैं प्रेम से कहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा।
तो कब होगा? जब हम भगवान को समर्पण हो जाएंगे, अब सब कुछ समर्पित कर देंगे। केवल कहने से नहीं, तन मन धन सब है तेरा, इसको स्वीकारना भी पड़ेगा। अगर कल को दुख आए तो ये ना कहना प्रभु ये क्या हो गया, अरे हमसे क्या मतलब, जो हमारा है ही नहीं तो हमसे मतलब क्या। और जब आप समर्पण करोगे ना तो ठाकुर जी अभी परीक्षा लेने के लिए आपको रुलाएंगे अवश्य, क्योंकि मेरा ठाकुर अपनी कसौटी में कसकर देखता है कि ये मेरी कसौटी में कसने लायक है कि नहीं। और जो कस गया कुछ नहीं बोला, फिर ऐसा भगवान उस पर कृपा करते हैं, सब देखते रह जाते हैं मेरे प्यारे। तो कहते हैं कपिल देव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है अपनी माँ को, संत के बारे में बताया है, ग्रस्तों के बारे में बताया है कि कौन मेरे किस प्रकार के भक्त हैं, उन सब के बारे में बताया है। और कहते हैं साथ में बताया है, जीव जब आता है गर्भ में तब उसे कितनी पीड़ा होती है, बार बार कर्म भोगने के लिए वो बार बार गर्भ में आता है। इस प्रकार से कहते हैं बहुत सुंदर उपदेश किया है। और कहते हैं उपदेश करके कपिल देव जी जैसे खड़े हुए, उनकी माता ज्ञान में इतना सारा वो पूरी तरीके से ज्ञान में इतना सरार वो हो गई, खो गई कि वो सब कुछ भूल गई। फिर कहते हैं माँ तो वहीं पर नदी बनकर, गंडकी नदी बनकर बह गई। और कहते हैं कपिल देव जी ने उनका आचमन किया है और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए हैं। और कहते गंगा सागर में गए, कपिल देव जी का आज भी मंदिर गंगा सागर में है। वो समुद्र के अंदर रहता है, मकर संक्रांत के दिन वो मंदिर दिखाई देता है, उसके दर्शन होते हैं। तभी कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। फिर कहते हैं ये तो हो गई माता देवहूति की कथा। अब महाराज, अब कथा किसकी आती है? कहते हैं अब कथा आती है भगवान भोलेनाथ की। कहते हैं देवहूति का हमने तो जान लिया, और दूसरी थी आकहूति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है। जिनके वहां पुत्र रूप में भगवान यज्ञ नारायण आए हैं। और तीसरी बेटी थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया गया है। प्रजापति के बेटियां हुई 16। कितनी बेटियां हुई? 16, जिसमें से 13 बेटी धर्म को दे दी, एक बेटी अग्नि को दे दी। अग्नि को कौन सी बेटी थी? बोले स्वाहा नाम की बेटी अग्नि को। यानी जब हम हवन करते हैं अग्नि में, स्वाहा स्वाहा क्यों बोला जाता है मालूम है? स्वाहा उनकी पत्नी है, तो पति पत्नी को साथ में भोजन कराना चाहिए, इसलिए ऐसे लिया स्वाहा। अग्नि को स्वाहा नाम की बेटी दे दी। एक बेटी कहते हैं पितरों को दे दी। एक बेटी कहते हैं सती नाम की, महादेव के साथ में विवाह कर दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। अब कहते हैं महाराज एक बार क्या हुआ, एक बार दक्ष ने बड़ा सुंदर यज्ञ कराया और उस समय ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापति बना दिया। अब कहते सारे देवी देवता आए, प्रजापति का सिंहासन पर बैठकर उसका अभिषेक होगा, यज्ञ होगा। तो कहते हैं देखिए कोई भी आवाज ना मचाए, सब शांति रहे भैया, जो भी सेवा करनी है शांत रूप से कर ले। बस कथा थोड़ी सी और बची है, इसको सुन करके विवाह की ओर चलेंगे। तो कहते हैं महाराज दक्ष आए, और अच्छा देखिए जो घमंडी व्यक्ति होगा ना, उसकी एक आदत होती है मेरी मैया,
कि वो जय जयकार करने वालों पर ध्यान नहीं देता, जो जय जयकार नहीं करता उसी को देखता रहता है। कहते दक्ष में घमंड था, आए और सब आकर के रास्ते देखा, क्या सब खड़े होकर तीन लोग बैठे रह गए। कौन कौन? बोले महाराज पहले देखा तो कौन बैठा है? बोले ब्रह्मा जी। बोले चलो ये तो मेरे पिता हैं, बैठे रहे कोई बात नहीं। फिर देखा नारायण भगवान, चलो ये भी कोई बात नहीं, मेरे पिता के पिता के पिता हैं, मतलब ये मेरे दादाजी हैं, ये भी बैठे रहे। फिर उसकी नजर गई भगवान शिव पर। अब दक्ष की आंखें लाल, ये तो मेरा दामाद है, दामाद बेटे के समान होता और बेटा बैठा पड़ा है। कहते महाराज सबसे पहले होता क्या है, जो मुख्य अतिथि होता है वो सबसे आखिरी में बोलता है, और दक्ष ने सबसे पहले आकर के ही बोलना शुरू कर दिया कि मूर्खों को कभी भी अच्छी सभा में आना नहीं चाहिए। सब देवता देखने लगे, भाई मूर्ख कौन है हम सब में, यहां सबसे पहले बोलना शुरू कर दिया। बोला जो कभी सभ्य समाज में बैठा नहीं, सभ्यता उसको आती नहीं। बोले महाराज किसकी बात कर रहे हैं? बोले समझे नहीं है, सामने बैठा है कपाली शंकर, मैं इसी की बात करता हूं, शमशान में रहता है। चिल्लाने लगा जोर जोर। इतने में नंदी खड़े हुए, बोले ओए दक्ष शांत हो जा, सुनूंगा नहीं एक भी। शिव जी ने कहा नंदी बैठ जाओ। कहते हैं महाराज शिव जी ने कहा ससुराल है, ससुराल की गाली सभी को सुननी पड़ती है, तो महाराज हमारी भी ससुराल है, हम भी दो चार सुन लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और शिव जी ध्यान में लग गए। और मैया मजे की बात तो तब होती है, आप किसी पे नाराज हो और वो हंस रहा हो मुस्कुरा रहा हो, आपको तो गधा हो, जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो और गुस्सा चढ़ती है। दक्ष गलत सलत कह रहा है, इधर शिव जी मुस्कुराते हुए राम राम राम। अब कहते हैं इतने में दक्ष ने खूब बुरा भला कहा, तो कहते हैं इतने में कहते नंदी खड़े होके बोले दक्ष चुप हो जा, नहीं तेरा सिर उतार दूंगा। इतने में कहते हैं उधर से भी उनके जो ऋषि थे वो भी खड़े हो गए। भृगु जी बोले ए नंदी तू काहे बोल रहा है, ससुर दामाद की आपस की बात है, सुलटा लेंगे, तू काहे बीच में पड़ रहा, बैठ जा बैल कहीं का। बोले ए बाबा शांत हो जा, भिखारी बना घूमेगा जिंदगी पर, जा मेरा श्राप है, घर घर जाके भीख मांगेगा सन्यासी बन करके। बोला मोहे श्राप दे रहा है, जा तो मैं श्राप देता हूँ नंदी, तेरी कहीं पूजा सजा तू भी मार खाता घूमेगा। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार से वहां श्राप समारोह चालू हो गया। शिव जी बोले यहाँ क्या था और क्या होने लगा, शिव जी के हम ही उठ कर जाते हैं। अब कहते दक्ष का माथा खराब, उसने बदला लेने के लिए दूसरा यज्ञ रख दिया, कहां बोले कनखल में दूसरा यज्ञ फिर करवा दिया। क्यों? केवल भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव जी को नहीं बुलाया। कहते हैं सबको बुलाया, सती मैया को पता चला, सती मैया ने जब कहा स्वामी मैं जाऊं, बोले जाओ। सती मैया आई, यज्ञ में स्वाहा हो गई, और वहां से भगवान क्रोध में जटा उखाड़ी और वीरभद्र को भेज दिया। अब कहते हैं वीरभद्र दौड़ता हुआ चला आ रहा है, दौड़ता दौड़ता, और कहते हैं जोर से हवा चलने लगी, वायु चलने लगी, बादल गड़गड़ाने लगी, बिजली कड़कने लगी। लोग कहने लगे दक्ष से, अरे ये क्या है? दक्ष बोला पता नहीं। लोगों ने कहा हो सकता कहीं ना कहीं हमें लगा डाकू दौड़ रहे हैं। बोले भैया डाकू को कोई नहीं है। बोले भैया डाकू को नहीं है, डाकू का तो राज्य खत्म हो गया है, जब से बढ़िया सरकार आई है कुछ तो आतंकी भाग रहे हैं, कुछ छुप छुप के बैठे हैं, उनको भी ढूंढ कर निकाल करके मारा जा रहा है। अब ये राज्य जो है उसमें डाकू का कोई काम ही नहीं है। बोले तो कौन, क्या कोई घोड़े दौड़ते आ रहे हैं? बोले नहीं नहीं, इतने में मारो मारो काटो काटो पीटो पुटो। कहे दक्ष के सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। अब कहते हैं महाराज अब जब दक्ष ही स्वाहा हो गया,
सारे के सारे रोने लगे, हे प्रभु अब क्या होगा। सब ब्रह्मा जी के पास, वो शिव जी के पास में गए। शिव जी ने आकर देखा तो दक्ष का सर स्वाहा है, भृगु जी की दाढ़ी ही नोच ली। कहते हैं उषा देव के बत्तीसी ही तोड़ दी है? कहते हैं भाग देव के दोनों आंख ही फोड़ दी, बड़े हाल बेहाल। तब कहते शिव जी ने दक्ष को क्षमा किया है और कहा कि जाओ सब स्वस्थ हो जाओ। भृगु जी ने कहा महाराज हमारी तो दाढ़ी ही नहीं रही, हमें शर्म लगेगी सबके बीच में जाने में, कुछ तो करो। बोले ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बकरे सी दाढ़ी लग जाएगी, काम चलेगा। बोले जैसे तैसे ठीक है महाराज, हम काम फ्रेंच कट दाढ़ी से ही चला लेंगे। बोले राधे राधे। कहते हैं उषा देव बोले प्रभु हमारी बत्तीसी नहीं, हम क्या खाएंगे। बोले भैया तुम सितुआ घोर घोर पियो जा करके। भाग देवता बोले हमारी प्रभु आंखें नहीं है, हम कैसे देखेंगे। बोले मन की दृष्टि देते हैं, मित्र दृष्टि से तुम जग को देख पाओगे। अब सब बोले महाराज हमारे यजमान तो पड़े हैं, यज्ञ आधा अधूरा है, है? और शिव जी ने कहा कि अब सिर तो लग नहीं सकता, जाओ किसी का सिर लेकर आओ, उसका लगाता हूं। नंदी लोग गए और बकरे का सर लेकर आ गए। और महाराज कहते जैसे बकरे का सर लाया और बकरे का सर लाकर जो लगाया, अब दक्ष को एहसास हुआ ये भी साक्षात प्रभु हैं, मेरे जमाता बने हैं। तो कहते हैं भगवान की स्तुति करने लगा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्विंदहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्विंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन देखिए जो दक्ष था, मैं हूं मैं करता तो आज बकरा बन गया। भाई जो ज्यादा मैं करने वाले, आपका हाल क्या होगा सोच लो। कहते हैं महाराज दक्ष जब भगवान के आगे बोलने लगा बम 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 बम, तो कहते हैं भगवान शिव को हंसी आ गई। बोले अरे हमारे तो ससुर जी की आवाज ही बदल गई, कहां बोल कहां मैं करने लगे बकरे के जैसे। तो भैया आज जब शिव जी की पूजा करी जाती है, पूजा के बाद में बम 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 बोला था क्यों? बोले शिव जी को अपने ससुर की याद आती है, शिव जी मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दे, जाते जो चाहिए वो मिल जाए। बोलो राधे 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 राधे। नहीं सब बोलो जय जय श्री, जय जय श्री मैया। इतने धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो गई का? एक बार जोर कार जयकारा लगाओ, बोलो जय जय श्री। हाँ इसका मतलब 9 बजे तक बैठने का दम है। बोलो राधे राधे। चिंता ना करो, बस 5 मिनट की कथा और बची है, फिर शिव जी के विवाह की ओर चलेंगे। फिर कहते हैं महाराज सती माता ने हिमालय के घर में जाकर जन्म लिया, नाम पड़ा माता पार्वती। बोल पार्वती मैया की जय हो। और कहते हैं महाराज जहां पार्वती मैया जन्म ली, नारद जी एक बार हिमालय के वहां पहुंच गए, मैना रानी और हिमालय जी ने खूब स्वागत किया। बोला महाराज कुछ हमारी बेटी के बारे में बताओ। नारद जी ने कहा बताएं का, इसका पति तो नंगा होगा, दिगंबर होगा, कुछ नहीं पहनने वाला होगा, अघोरी होगा, शमशान में रहने वाला होगा, सांपों की मालाएं होंगी, हैं? मैं ना मैया बोली हाय राम, मेरी बिटिया की हो गई जिंदगी खराब।
कहते हैं महाराज जब इस प्रकार से कहा, लेकिन बोले एक उपाय है, ये सारे गुण हमारे भोले बाबा में भी आते हैं, इनका विवाह भोले बाबा से करा दो। तो कहते हैं सती वो पार्वती मैया ने तपस्या करी है, सप्त ऋषि ने परीक्षा ली है, परीक्षा में पास हो गई, भोले बाबा ने कहा जाओ तैयारी करो, हम विवाह के लिए आ रहे हैं। भैया यहाँ हिमालय जी तैयारी करने लगे, वहां से भोले बाबा चल दिए। और महाराज जब भोले बाबा आते हैं ना, तब भूत प्रेत भी आते हैं, हैं? और भोले बाबा कैसे आते हैं, आइए हम लोग भी भोले बाबा की बारात में शामिल होते हैं। लेकिन सब लोग ध्यान रखेंगे, इसके बाद में आरती होगी, प्रसाद लेकर ही जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। और कल क्या है मैया, कृष्ण जन्म है, तो कल सभी लोग बधाई लाएंगे, खाली खाली काम नहीं चलेगा। कल सभी पीले कपड़े पहन के आना, जिसके पास पीले ना हो वो क्या करे, वो हल्दी में भिगो कर चले आना है? कल खूब चॉकलेट टॉफी बांटी जाएंगी, खूब बधाई होगी। कल सभी लोग समय से 1 या 1:30 बजे तक आ जाएंगे। आइए भोले बाबा के विवाह में चलते हैं। हाँ दूल्हा बन भोला आए हैं, हाँ आए हैं, नए नए बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, हाँ आए हैं, नए नए बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, नई बराती लाए हैं, नई नई बराती लाए हैं, नई नई बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, नई नई बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, नई नई बराती लाए हैं। अरे देवी देवताओं को नारद देने चले बुलौआ, नाचो गाओ धूम मचाओ, शिव विवाह है भैया। नई नई बराती लाए हैं, नई नई बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, नई नई बराती लाए हैं। दूल्हा बन भोला आए हैं, आए हैं, नई नई बराती लाए हैं। जय हो, अरे झूम लो पागलो। आए बाजा लाए ओ शंभु बाबा, भोले बाबा कैसे आए, बोले बाजा भी नहीं लाए, गाजा भी नहीं आए हैं, आए हैं। जय हो,
अरे झूम लो पागला। भैया जब भोले बाबा के बरातियों को दिखा दो एक बार। शिव जी की बारात में कौन कौन नाचना चाहता है, हाथ उठाओ दोनों। हेलो हेलो, सब नाचोगे तो चलो शिव जी की बारात में। अंधा भी आए और बहिरा भी आए, ओ शंभु बाबा कनमा भी आए, और पुड़िया में गांजा, पुड़िया में गांजा लाए हैं, लाए हैं। अरे बराती आए हैं, भोला भंडोला आए हैं, आए हैं, नए बराती आए हैं। अरे झूम लो पागलो। जब बरात राजा हिमंचल घर आई, तो मेरा मैया देख कर घबराई, और बोली मैया मेरी मोड़ी का कहाँ फसाए हैं, फसाए हैं, नए नए बराती आए हैं, चूल्हा बंधोला आए हैं, आए हैं, नए नए बराती लाए हैं। अरे सूटे चिलम पे चिलम, सूटे चिलम पे चिलम, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन। अरे झूम लो पागलो, फिर मौका नहीं मिलना। बोल शंकर भगवान की। बोल उमापति महादेव जी। अरे दम पे लगा करके दम, हाँ दम पे लगा करके दम, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन। सूटे चिलम पे चिलम, अरे सूटे चिलम पे चिलम, भोले हो गए टनाटन, 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 भोले हो गए टनाटन। भोले नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचवे को, भोले नहीं माने रे नहीं माने, चल गए नचवे को। Thank you.
कस भंगिया चढ़ी सन्नाके भोला बैठे हैं तन्नाके कस भंगिया चढ़ी सन्नाके स्वामी बैठे हैं तन्नाके गोरा शिव को लगी है समझाने चल गए नचवे को भोला नहीं माने रे नहीं माने चल गई नचवे को अरे झूम लो पागलो भंगड़ा डिस्को कछु ना जाने तांडव के हो गए दीवाने भंगड़ा डिस्को कछु ना जाने तांडव के हो गए दीवाने कैसे मनाऊं शिव को नहीं माने एक बार सभी लोग मस्ती में झूमेंगे जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो मैया जी ऐसे नृत्य करती है भले कमर टेढ़ी हो जावे पर कसर नहीं लगाती मैया श्री शंकर भगवान की श्री गौरा मैया की हमें लगता है मैया लोगों का 18 दिन का व्रत चल रहा है थोड़ी जयकारा ऐसे लगाइए बढ़िया पंडाल के बाहर आवाज जावे क्यों मैया श्री बांकी बिहारी लाल की भोला नहीं माने रे नहीं माने जल गई नचवे को भोला खा करके भंग का गोला कैसे झूम रहा है चोला भोला खा करके भंग का गोला कैसे घूम रहा है चोला गोरा सिंह को नहीं है समझाने चल गई नचवे को भोला नहीं माने रे नहीं माने चल गई नचवे को भोला नहीं माने रे नहीं माने चल गई नचवे को बम बम लहरी सब से लहरी सब गाइए अकड़ बम बम लहरी किसे विसे विसे लहरी बम 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 लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अकड़ बम बम लहरी शिव 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 लहरी हरि बोल नारद की वीणा बोले नारद की वीणा बोले मीरा एक तारा बोले बम लहरी रे ओ शिव लहरी ओ बम लहरी रे ओ शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाई है अखड़ बम बम लहरी शिव 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 लहरी बम बम लहरी शिव 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 लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अकड़ बम बम लहरी शिव 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 लहरी भोले बाबा शंभु बाबा हो वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की आइए आरती की ओर बढ़ेंगे उससे पहले कुछ जिन भक्तों ने दान दिया उनके नाम सुन लेंगे फिर आरती की ओर बढ़ेंगे वृंदावन बिहारी लाल की आइए कुछ भक्तों ने राधे गोविंद सेवा आश्रम भूमिदान के लिए सहयोग किया है उन भक्तों के नाम जाने सुने 101 रुपए वेदपाल राठौर जी करावल नगर से दिल्ली से हैं 101 रुपए सुनील राठौर जी करावल नगर दिल्ली से हैं
101 रुपये संदीप पाल जी करावर नगर दिल्ली से हैं, 101 रुपये प्रमोद राठौर जी करावर नगर दिल्ली से हैं। इन भक्तों के लिए आप सभी भक्तजन ताली बजाकर स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कल हमारे श्री बांके बिहारी जी का जन्म होगा, श्री कृष्ण उत्सव होगा। सभी माताएं बहनें एवं बच्चे भक्तजन पीले वस्त्र पहनकर अवश्य आए और बधाई बांटने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पार्वती मैया शिव जी मंच के ऊपर आ जाएंगे और आरती करनी प्रारंभ करिए। और जिन भक्तों को हमारे परम पूज्य आदरणीय व्यास जी से कथा भागवत करवानी हो तो यूट्यूब पे नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क अवश्य करें। हमारे व्यास जी की दक्षिणा कुछ भी नहीं है, निःशुल्क कथा करते हैं। और जिन भक्तों को महाराज श्री जी से मिलना है, जुड़ना है, काउंटर में आकर कार्ड अवश्य प्राप्त करें, जिसमें महाराज श्री जी का नंबर भी है और कुछ क्षण के लिए मिलना भी होगा, बातचीत भी होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मन सोजात चोह सूर्यो अजायत सोत्रायुष प्राणस्य मुख दग्निराजायत कंचन थाल सजाय के अगर कपूर जलाय करहु प्रेम से आरती घंटा संग बजा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं, राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं, राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको श्री राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सो है मोर मुकुट, तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे। देखे छवि बलिहारी में जाऊं, राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंदा तेरी आरती गाऊं। देखिए कहा मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत
मिली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरण के में दर्शन पाओ, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। नाथ आप हो दास, अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, 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 पूरीकारं कर्णावतारं संसारचारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सततं नमः, मन्दारलाला कलितारकाय जगन्माला विश्वेश्वराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सात्वमेव, त्वमेव विद्या च सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरे अखियां तरस रही अब तो आजा, वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो राजा, अज नंद लाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, अज गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे हाँ, अज नंद लाल तरस रहे नैना, अजन लाल तरस रहे नैना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नाथ गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री नाथ नारायण वासुदेवा, मेरे भागवत महा